नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई सेलेक्शन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस के जीके के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछने को आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार SSC के एग्जामिनेशन में, बैंक के एग्जामिनेशन में, डिफेंस सर्विसेज, CDS, FCAT, NDA के एग्जामिनेशन में पूछने को आए हैं। आप जिस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के एग्जामिनेशन में भी पूछने को आते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाई जाती हैं। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखिएगा। मैं आपको आंसर बताऊँगा इस वीडियो के अंदर और आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के 5 ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद ही आप लोगों को पहले से पता होगा। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप्स चैनल पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा पढ़ने में आता है। तो ऐसा कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो फ़र्क नहीं पड़ता? तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा भी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? मुगलों ने रखा था, मुगलों ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे कम पेड़ पौधे हैं? किस राज्य में सबसे कम पेड़ पौधे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक भी पुलिस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक देश है जहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है। तो देश का नाम है सीलैंड देश में, वहाँ आर्मी ही है और आर्मी ही पुलिस का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बता दूँ मैं, उपनिषदों की संख्या 108 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा था वही क्वेश्चन आपको यहाँ अब दिखेगा। आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखा होगा तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मतलब वही रहता है? तो ऐसा 1961 का साल था, 1961 का साल है, जिसे चाहे आप उल्टा लिख दो या सीधा लिख दो दिखेगा आपको 1961 ही। तो दोस्तों आपको ये अगर 5 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शेयर योर फ्रेंड्स।